नमस्कार, मैं भानु स्वागत करता हूँ आप सभी को दी अध्यापक के प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे सामने डीएलएड का फाइनल ईयर पेपर जो कि 2018 का खोट्ठा का पेपर है। आप देख सकते हैं खोट्ठा विषय वस्तु सशिक्षण विधि यानी इसका जो पेपर 7 है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहे अंत तक कि हमारे जो डीएलएड 2018 में किस प्रकार के खोट्ठा के प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, इसका जो समय दिया गया है वो 3 घंटा का है और फुल मार्क्स यानी पूर्णांक वो है 60 का। तो सभी प्रश्नों के मान बराबर होते हैं ये हम जानते हैं और हमें किन्हीं 5 ही प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। आगे जो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है हमसे, यह देखते हैं। तो ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, झारखंड एगो बहुभाषिक राज्य है, कैसे एकर विकास से झारखंड एक भाषा कैसे उपयोगी हेवत अपन विचार दाय। यानी झारखंड एगो बहुभाषिक राज्य, मतलब यह बहुभाषित राज्य कैसे है और एकर विकास से झारखंड भाषा कैसे उपयोगी व्यवत है, मतलब झारखंड भाषा इसका कैसे किस प्रकार उपयोगी है, अपना विचार हमें इस पर देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, खोट्ठा भाषा का उद्भव और विकास के ऊपर भिन्न भिन्न विद्वान के मत उखराए के अपन मत दाए। यानी जो खोट्ठा भाषा का उद्भव और विकास हुआ है उस पर जो भिन्न भिन्न विद्वान का मत है उस पर अपना भी विचार हमें देना है। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, मातृभाषा के रूप में खोट्ठा शिक्षण के कैसे प्रभावित करे है, मातृभाषा शिक्षण के स्तर के कैसे उच्चतम अधिगम स्तर के लानत जाए अपन विचार दें। यानी जो मातृभाषा के जो खोट्ठा शिक्षण में रूप है वो कैसे प्रभावित करता है और मातृभाषा शिक्षण के स्तर पे कैसे उच्चतम अधिगम स्तर लाया जाए इस पर हमें अपना विचार देना है। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन, खोट्ठा लिंग माने की हवे है, स्त्रीलिंग से पुलिंग बनवे ले खोट्ठा की नियम है बतावा। यानी खोट्ठा लिंग माने मतलब क्या होता है और स्त्रीलिंग से पुलिंग जो बनाते हैं उसमें खोट्ठा का क्या नियम है ये हमें बताना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, मुहावरा के परिभाषा बतावा और कोनो 5 गो मुहावरा लिख के ओकर वाक्य बनावा। यानी मुहावरा का क्या परिभाषा है ये हमें लिखना है और किन्हीं 5 मुहावरा लिख कर उसका वाक्य हमें बनाना है। तो ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, खोट्ठा भाषा साहित्य के विकास से पत्र पत्रिका के योगदान है कैसे फरीज करा। यानी जो खोट्ठा भाषा साहित्य का जो विकास में उसमें पत्र पत्रिका है उसका किस प्रकार योगदान है वो हमें बताना है। 7वां नंबर क्वेश्चन, मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा स्कूली शिक्षा के विकास से कैसे उपयोगी है अपन सुझाव दें। यानी जो मातृभाषा है राष्ट्रीय भाषा है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा है उस पर स्कूली शिक्षा का विकास में किस प्रकार उपयोगी है यह हमें अपना सुझाव इस पर देना है। 8वां नंबर क्वेश्चन, खोट्ठा भाषा पठन पाठन और लेखन के मूल उद्देश्य की है फरीज करा। यानी जो खोट्ठा भाषा पठन पाठन और लेखन है उसका क्या मूल्य उद्देश्य है यह हमें लिखना है। 9 नंबर क्वेश्चन, खोट्ठा भाषा के परिचय और मानकीकरण के बतावा। यानी खोट्ठा भाषा का परिचय देना है और उसका मानकीकरण को हमें बताना है। 10वां नंबर क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोनो एगो विषय पर निबंध लिखा। यानी इस पर किसी एक पर निबंध लिखना है, टूसु परब हम लोग जानते ही और दूसरा सरहुल परब, ये दोनों में से किसी पर एक निबंध लिखना है। तो यह हमारा डीएलएड फाइनल ईयर 2018 में क्वेश्चन खोट्ठा का पूछा गया था। तो आशा करते हैं कि 2021 का जो डीएलएड एग्जाम होगा उस पर भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी जो 2021 वो आगे डीएलएड के परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो यह वीडियो आप अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि 2018 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और डीएलएड और टेट संबंधित सभी जानकारी आपको इस चैनल में दी जाएगी। तो आप चैनल में बने रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।